नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त भिवानी में विद्यानगर में 54 फीट रोड पर गुरुजी क्लासेज में हम पहुंचे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज हर इंसान की जुबान पर गुरुजी क्लासेज का नाम है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार गुरुजी क्लासेज ने जो सफलताएं हासिल की है, उन्हीं सफलताओं के कारण आज सोसाइटी के अंदर गुरुजी क्लासेज एक सकारात्मक चर्चा का विषय बनी हुई है। आज संस्था के कुछ मेंबर यहां मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं क्योंकि 14 जनवरी को गुरुजी क्लासेज में एक स्कॉलरशिप टेस्ट लिया गया था जिसमें अचानक हजारों की संख्या में बच्चे टेस्ट देने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाए थे और लगातार इनके पास पेरेंट्स की कॉल आ रही थी कि कोई दोबारा से स्कॉलरशिप टेस्ट अरेंज करवाइए ताकि उनके बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सके। और शायद इसीलिए माँ बाप के बार बार कहे जाने के बाद अब गुरुजी क्लासेज ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 18 जनवरी को स्कॉलरशिप टेस्ट लेने का फैसला किया है। इस वक्त संस्था के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि कौन सी तारीख को ये स्कॉलरशिप टेस्ट होगा और इस टेस्ट में क्या कुछ टॉपिक आने वाला है। जी प्रवीण जी, आपका चरखी दादरी न्यूज चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर, मैं भी आपका और आपके जो व्यूअर्स हैं जो आपके चैनल पे हैं उन सबका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहां टाइम निकाला है, आप लोग आए हो। और जैसे पिछली बार 14 जनवरी को टेस्ट में कुछ बच्चे रह गए थे, दादरी से बहुत सारे बच्चे जो लेट आ पाए थे, फेस्टिवल भी था और ठंड का टाइम भी था और भिवानी से बहुत सारे बच्चे रह गए थे, आसपास डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो थोड़े लेट पहुँचे थे, और उसके बाद से लगातार हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं, जो संस्था के नंबर हैं उनके पास कॉल आ रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे मिल जाएंगे, उन पे कॉल आ रहे लगातार कि एक बार फिर से टेस्ट करवाया जाए, उनको मौका नहीं मिल पाया। तो इसीलिए संस्था ने दोबारा डिसीजन लिया है कि आने वाली 18 फरवरी को, यानी संडे को, अभी जो संडे है 18 फरवरी को सुबह 10 बजे दोबारा से स्कॉलरशिप टेस्ट देने का मौका मिलेगा। जो लोग उस टाइम नहीं दे पाए थे, जो बच्चे उस टाइम नहीं दे पाए थे, तो उनको दोबारा से चांस मिलेगा सुबह 10 बजे। अगर सर बात की जाए तो बच्चों को क्या लेके आना अपने साथ? बच्चों को बस कुछ नहीं लेके आना, अपने साथ आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेके आना है और एक पेन लेके आना है, बाकी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी जगह पे भी लोगों को लगता है कि इसका कुछ चार्ज होगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम बच्चों की जो प्रतिभा है, जो उनके अंदर टैलेंट है, जो पोटेंशियल उनके अंदर है, उसको जांचने के लिए टेस्ट ले रहे हैं कि उसके पेरेंट्स को पता लग पाता है कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, कंपटीशन में कहाँ वो स्टैंड कर रहा है, किस सब्जेक्ट में कितना स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है, वो सारा उनको पता लग पाएगा उसी दिन। जी अगर सर बात की जाए तो अब 18 फरवरी को स्कॉलरशिप टेस्ट लेने का निर्णय क्यों लिया है? देखिए 18 फरवरी को सुबह 10 बजे जो निर्णय लिया गया वो इसलिए लिया गया है कि एक तो जो 14 जनवरी को हमने जो लिया था उस दिन फेस्टिवल था, सेकेंडली वेदर जो था बड़ा ख़राब था, और थर्डली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इतना सारा रिस्पॉन्स था कि बच्चे बहुत लेट तक आते रहे और इतना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए कि हम 4 बजे तक के बाद तक उसको कंडक्ट करते। उसके बाद पेरेंट्स ने बोला कि आप उसको दोबारा कंडक्ट कीजिए, हमारे बच्चे को हमें टेस्ट दिलाना है, तो इतनी ज़्यादा डिमांड देखते हुए हमने ये दोबारा से किया है। सेकेंडली इस गुरुजी क्लासेस का एक फेथ है, एक नाम है, और उसी को बेस पे देखते हुए पेरेंट्स ने यह सोचा है कि यहाँ पे टेस्ट दिलाना ज़रूरी है। मैं आपको विपिन जी आगे बताना चाहूँगा कि जितने पेरेंट्स हैं आपके माध्यम से, मैं ये जरूर निवेदन करूँगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजें, अपने बच्चे का खुद टैलेंट सर्च करें, हम उन बच्चों को निखारेंगे, उन बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुसार उनका एक फाउंडेशन बनाएंगे, उनका जो कैरियर आगे आने वाला है उसको संवारेंगे। एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम हमारे पास है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है और एक रिजल्ट ओरिएंटेड ये इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें किसी भी तरह की किसी भी उसका कोई फीस नहीं है, सिर्फ हमें ये करना है कि हम बच्चों को निखारना चाह रहे हैं, हम इस भिवानी और आसपास के एरिया में वो शिक्षा का एक स्तर बताना चाह रहे हैं जिसको लोग याद करें, और जो कह रहे हैं वो ही हम करके दिखा रहे हैं। बस इतना है कि हमें टैलेंट चाहिए, हम टैलेंट की सर्च में हैं, बच्चे को निखारने का, बच्चे को आगे बढ़ाने का, ये इस इंस्टीट्यूशंस का उद्देश्य है। जी देखिए, इनका कहना है कि जो टैलेंटेड जो बच्चे हैं वो संस्था में पहुंच सके इसीलिए स्कॉलरशिप टेस्ट रख रहे हैं। प्रवीण जी अगर बात की जाए तो 14 जनवरी को जो स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोगों ने लिया था उसमें लगभग 1 करोड़ के इनाम आपने बांटे थे, तो क्या 18 फरवरी को भी कुछ इसी तरह से तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल सर, 18 फरवरी को भी 1 करोड़ का जो इनाम आप बता रहे हो स्कॉलरशिप की फॉर्म में बच्चों को दिया जाएगा, और पहले भी दिया है और पिछले साल की बात के तब भी दिया था। हर बार जो चीज़ कही है, जो कम्युनिकेट किया है वो करके दिखाया है, ठीक है, जो हम करते हैं वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये हमारा टैगलाइन भी है। वो चाहे रिजल्ट के फॉर्म में हो या जेई के रिजल्ट जो भी परसों आए उनकी फॉर्म में हो,
या स्कॉलरशिप देने की फॉर्म में हो, जो भी चीज़ कमिटमेंट की है उसको पूरा किया गया है बिल्कुल। और इसके अलावा ये जो क्लासेज में कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है, 8930310147, और दूसरा नंबर है 8930910147। बाकी किसी का कोई भी इंक्वायरी होती है स्कॉलरशिप टेस्ट के रिगार्डिंग, हालांकि सब चीज़ हमने बता भी दी है, फिर भी कोई किसी की इंक्वायरी होती है तो ये जो नंबर मैंने बोले हैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 8930310147, 8930910147। इस पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और 18 फरवरी को सुबह 10 बजे पहुंचिए, बच्चे के साथ पहुंचिए। आपके मन में जो भी डाउट है बच्चे को लेके या करियर काउंसलिंग, बच्चे के पेरेंट्स के मन में बहुत डाउट रहते हैं कि 10th के बाद क्या करवाएं या 12th के बाद क्या करवाएं, बच्चों को लिए वो बहुत परेशान रहते हैं, वरीड रहते हैं, नेचुरल चीज़ है ये, और वो सोचते हैं कि इसको अब बाहर भेजना पड़ेगा, दिल्ली भेजना पड़ेगा, किसी को लगता है कोटा भेजना पड़ेगा, सीकर भेजना पड़ेगा, उसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है। डिफेंस गुरुजी क्लासेज ने वो वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया है पहले भी और आगे भी देता रहेगा। अब आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, चाहे बॉयज़ हों गर्ल्स हों, बाहर के बच्चे होते हैं उनको लगता है कि उनको यहाँ रुकने की दिक्कत होती है, मान लो दादरी से कोई बच्चा आता है तो उसके लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट है, बॉयज़ के लिए सेपरेट है, और अपना हॉस्टल भी होटल से कम नहीं है, उसकी भी आपके न्यूज़ चैनल पे एक दिन हम वीडियो अपलोड करवाएंगे ताकि आप हॉस्टल की फैसिलिटी भी उसमें दिखाई जाएंगे आने वाले टाइम में। जी सर एक बात बताएं, केवल बच्चों को लेते रहेंगे स्कूल स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट है आप लोगों की? देखिए बच्चों का जो हम प्रतिभा को खोज रहे हैं उसके साथ साथ में हम स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट्स है, अगर कोई टीचर्स हैं किसी भी सब्जेक्ट्स में, किसी भी स्ट्रीम के हैं, इवन टीचिंग है नॉन टीचिंग है, उनके लिए भी यहाँ पे कभी अपना रिज्यूम लेके आइए और यहाँ पर पे उनको भी जो है पूरा पूरा मौका मिलेगा, हम उनकी भी तलाश करें। बट हम फिर मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा सभी आपके माध्यम से कि जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को ज़रूर भेजें, हम ये नहीं करें कि आप एडमिशन्स कराइए, बट वो कम से कम अपने बच्चे की एक तो टैलेंट सर्च करें, सेकेंडली काउंसलिंग है तो उसको ढूंढें, और थर्डली कम से कम आ करके ये देखिए कि जो कह आ जा रहा है या जो यहाँ पर हम बता रहे हैं वो सच है कि नहीं है, और जो गुरु जी क्लासेज जो कहेगा वो करेगा, हम उन बच्चों के साथ हैं, टैलेंटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, डिसिप्लिन हैं, पंचुअल्स हैं, इन सारी क्वालिटीज़ के साथ में बच्चे को आगे बढ़ाने में हम पूरा पूरा सहयोग करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि सभी पेरेंट्स एक बार ज़रूर आएँ, अपने बच्चों को लेके आएँ, अगर बच्चों की काउंसलिंग है तो वही फ्री की जाएगी उस दिन पर, तो इतना सारा मौका एक ही छत पर एक ही टाइम में मिल रहा है, तो आप सभी जो है पेरेंट्स ज़रूर से ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएँ। जी देखिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में 18 फरवरी को विद्यानगर में 54 फीट रोड पर गुरुजी क्लासेस में आप अपने बच्चों को लेकर जरूर पहुंचिए ताकि उनका भविष्य बेहतर कैसे हो सकता है इस बारे में भी आप चर्चा कर सके। इसके अलावा आप संस्था में घूमिए, देखिए अगर आपके बच्चे इस संस्था से जुड़ते हैं तो क्या उनका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है नहीं, आप खुद भी इन चीजों का निरीक्षण करिए। देखिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जा रहा है उसमें कोई चार्ज नहीं है, ऐसे में आपको अपने बच्चों का पोटेंशियल पता चल जाएगा और इस बहाने कम से कम आप एक ऐसी संस्था में पहुंच पाएंगे जिसका रिजल्ट पिछले कुछ समय में काफी बेहतर भी रहा है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।